स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 12th बायोलॉजी की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11, जैव तकनीकी सिद्धांत और क्रियाएं। इसके बारे में हम समझेंगे, लेकिन इसके पहले हम ये समझेंगे कि जैव तकनीकी क्या है, इसका इतिहास क्या है, ये किस सिद्धांतों पर कार्य करती है और मानव जीवन के लिए ये किस प्रकार से लाभप्रद है। तो चलिए बच्चों, ये थोड़ा सा थ्योरिटिकल पार्ट है, इसको अपन समझते हैं। सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी किसके लिए बनी हुई है? सिंपल सी बात है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जैव प्रौद्योगिकी का विकसित हुई है। जैविक तंत्रों और जीविकों के उपयोग को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन हो गई कि मानवीय आवश्यकता हेतु उपयोगी उत्पादकों को विकसित या निर्मित, जो हमारे ह्यूमन बीइंग की जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए जो उत्पाद जरूरी होते हैं उनको विकसित करना, निर्मित करना, तो उसके लिए किसकी जरूरत है? जैविक तंत्र और जीवों के उपयोग को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा कोई भी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग जिसमें जैविक तंत्रों का उपयोग किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। अब सन 1919 में हंगरी के अभियंता कार्ल एरिकी ने सर्वप्रथम कौन सा शब्द दिया? बायोटेक्नोलॉजी शब्द का निर्माण किया। बच्चों, जो 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे उसमें से इस प्रकार से भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, इसलिए आप ध्यान रखिए। जैव प्रौद्योगिकी शब्द की व्युत्पत्ति 2 शब्दों से हुई, जैविकी एवं प्रौद्योगिकी, अर्थात बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, दोनों को कंबाइन किया तो बन गया बायोटेक्नोलॉजी। जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जैविक तंत्रों, उसके विभिन्न घटकों को मानवीय हितों के रूप आनुवांशिकी रूप से सुधारने अथवा उपयोग करने के उद्देश्य से एक विस्तृत परास को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार जैव प्रौद्योगिकी वास्तव में प्रौद्योगिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान के मध्य की पारस्परिक क्रिया का एक उत्पाद है, जिसमें जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं जैसे कोशिका विज्ञान, आणविक विज्ञान, आनुवांशिकी जीव रसायन, भ्रूणिकी, सूक्ष्म जीविकी आदि समाहित हैं। जैव प्रौद्योगिकी का परास बहुत विस्तृत है कि किसी एक एकल परिभाषा द्वारा इसको परिभाषित करना कठिन है, अतः भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने इसे इसे भिन्न भिन्न तरह से परिभाषित किया है। जैव प्रौद्योगिकी की कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित है। पहला, जीवित जीव अथवा उसके किसी अंश अथवा उनके उत्पादकों का प्राकृतिक अथवा रूपांतरित रूप में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष उपयोग करने हेतु विज्ञान एवं अभियांत्रिकी का जो उपयोग है वो जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। दूसरा देखें, किसी विशिष्ट उपयोग हेतु उत्पादों के निर्माण अथवा उत्पादों या प्रक्रियाओं के रूपांतरित हेतु कोई भी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, जिसमें किसका, पहले तो हो गया किसका निर्माण, उत्पादों का निर्माण, दूसरा इसमें शामिल हो गया प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, जिसमें किसको शामिल किया, जैविक तंत्रों, जीवित जीवों अथवा उनके उत्पादों का उपयोग किया गया हो, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। जीवित जीवों, तंत्रों अथवा प्रक्रियाओं का लाभदायक उत्पादों के निर्माण हेतु उपयोग करना जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। ये ब्रिटिश बायोटेक्नोलॉजिस्ट के हिसाब से, और मुझे ये परिभाषा भी बहुत सही लग रही है। ऐसी तकनीक जिसमें जैविक तथ्यों का उपयोग भिन्न प्रकार के पदार्थों की प्रतिलिपि बनाने में तथा उन्हें उत्पादित करने में किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। ऑल्सो ये डेफिनेशन भी कैसी है, इम्पोर्टेंट है। पांचवा देखिए, जैव प्रौद्योगिकी जीव रसायन, सूक्ष्म जैविकी एवं अभियांत्रिकी की समाकलित शाखा है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों, संवर्धित ऊतक कोशिकाओं, उनके अंशों के तकनीकी अनुप्रयोग हेतु किया जाता है। यह है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से। सूक्ष्म जीवों अथवा कोशिकीय अवयवों जैसे जैविक कारकों का नियंत्रित उपयोग जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। यह है US नेशनल साइंस फाउंडेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं हम कि जैव प्रौद्योगिकी का इतिहास क्या था, क्या है हिस्ट्री इसकी। तो जो बायोटेक्नोलॉजी की उत्पत्ति जो है वो
बिल्कुल शुरू प्रागैतिहासिक काल में ही हो गई थी, जब कि मानव ने फर्मेंटेशन जैसी प्रक्रियाओं द्वारा शीरे से सिरका बनाया, दूध से दही और पनीर बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करना प्रारंभ कर लिया। हमारी दादी नानी लोग भी क्या करती थी, दही जमाने के लिए जामन शब्द यूज करती थी, तो क्या करती थी, दही का थोड़ा सा हिस्सा जो था वो दूध में मिला के रख देती थी, सुबह उनको दही तैयार मिलता था। अर्थात बहुत प्राचीन काल से ही जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग चालू है। 1912 से 1914 के मध्य कैन ब्रिजमैन ने क्लॉस्ट्रिडियम एसिटोब्यूटाइलिसियम नामक जीवाणु द्वारा मंड से क्या बनाया, ब्यूटेनॉल और एसीटोन का निर्माण किया। ये पहला ऑथेंटिक प्रयोग कहलाया। 1930 में फ्लेमिंग ने, ये अगेन इम्पोर्टेंट, फ्लेमिंग ने क्या किया, पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का उत्पादन किया और इससे जैव प्रौद्योगिकी को एक नई दिशा दी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस एंटीबायोटिक का व्यावसायिक उत्पादन चालू हो गया, किंतु जैव प्रौद्योगिकी को वास्तविक बढ़ावा 1970 के दशक में प्रतिबंध एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज के साथ मिला। लोबन और केसर ने लाइगेज द्वारा दो प्रतिबंधित खंडों को जोड़ने की तकनीक विकसित की। 1972 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पॉल वर्ग ने SV40 विषाणु के डीएनए को लैम्डा विषाणु के डीएनए के साथ जोड़कर पहला पुनर्योजी डीएनए अणु अर्थात रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का निर्माण किया। इसके एक वर्ष बाद 1973 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टेनले कोहेन तथा कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के हार्वर्ड बोयर ने विश्व के प्रथम पुनर्योजी जीव डीएनए जीव यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑर्गेनिज्म का निर्माण किया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना। इसी के साथ आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी एवं जीन अभियांत्रिकी अर्थात जेनेटिक इंजीनियरिंग का आधार तैयार हुआ। 1980 के दशक में भिन्न जीनी रूपांतरण तकनीकों, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के विकास ने पुनर्योजी डीएनए प्रौद्योगिकी अर्थात रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में नई क्रांति का सृजन किया, जिसके फलस्वरूप विभिन्न फसलों के परजीवी पौधों का विकास हुआ। हम देखते हैं ना बच्चों की नई फसल आ रही है, नए प्रकार के फल आ रहे हैं, बीज रहित आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो क्या करते हैं, किसी रोग प्रतिरोधी क्षमता वाले पादप या फसल उत्पन्न की जा रही, तो वो सब का कारण क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के एडवांस रूप ने कर लिया है। नहीं तो पहले क्या होता था, बहुत इतने मॉडिफिकेशन नहीं पाए जाते थे। अब आता है जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्राचीन काल से ही मानव जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग परंपरागत रूप से रोटी सेकने अर्थात ब्रेड मेकिंग, किण्वासन द्वारा मदिरा का निर्माण, फसली पौधों, पालतू जानवरों के प्रजनन आदि में करता रहा। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के साथ प्रारंभ हुई, पहला आनुवांशिक अभियांत्रिकी तथा रासायनिक अभियांत्रिकी अर्थात जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग। पहला अगर हम देखें, व्हाट इज आनुवंशिक अभियांत्रिकी, ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इस बार रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस आपके उसमें आना है, तो आपको बेसिक चैप्टर जो है उनको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे जाके 40 मार्क्स के एनालिटिकल जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो इसलिए आपका वीडियो को ध्यान से देखना, सुनना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है अनुवांशिक अभियांत्रिकी अर्थात जेनेटिक इंजीनियरिंग। इस तकनीक में क्या होता है, जितने भी अनुवांशिक पदार्थ जैसे डीएनए और आरएनए हमको मालूम है बहुत अच्छे से, की रासायनिकी इनकी जो केमिकल चेंज, केमिकल जो स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन करके उसे परपोषी जीवों में सन्निवेशित कराकर उसके लक्षण प्रारूप फिनोटाइप को परिवर्तित करते हैं, अर्थात जो डीएनए आरएनए है उसका जो क्रम है उसमें चेंज करते हैं, फिर उसको दूसरे जीवों में जा करके क्या कराते हैं, सन्निवेशित कराते हैं, और उससे जो फिर नए जीनोटाइप और फिनोटाइप कैरेक्टर रहता है उसमें फिनोटाइप में परिवर्तित करते हैं। दूसरा है रासायनिक अभियांत्रिकी, इसके अंतर्गत रोगाणु रहित सूक्ष्म जीव, संदूषण रहित वातावरण बनाकर केवल वांछित सूक्ष्म जीवों सुकेंद्र की कोशिकाओं में वृद्धि कराकर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों जैसे एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स,
वैक्सीन या टीके आदि का निर्माण किया जाता है। फिर है आणविक जीव विज्ञान के क्षेत्र में हुए आधुनिक विकास ने जैव प्रौद्योगिकी को नए मींस के साथ साथ नए विशिष्टताएं और नई संभावनाएं दी हैं। यही कारण है कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी आज वैश्विक समाज एवं अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डाल सकती है। आज बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग इतना ज्यादा व्यापक है कि उसकी विभिन्न शाखाओं को परिभाषित करने हेतु निम्न शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता। ये शब्दावलियां जरूर पूछी जाती हैं और ये आपके ऑब्जेक्टिव से लेके 1 मार्क्स से लेकर के 2 मार्क्स और एनालिटिकल क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। पहला है हरित जैव प्रौद्योगिकी अर्थात ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। हरित से शब्द से क्या समझ रहे हैं आप? हरित शब्द सिंबल है कृषि प्रक्रियाओं से, तो जिसके अंतर्गत इसका उपयोग भिन्न कृषि प्रक्रियाओं पर किया जाता है, तो दैट इज नोन एज ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। नाउ अगेन नीली जैव प्रौद्योगिकी अर्थात ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ब्लू शब्द किसके लिए? एक्वाटिक चीजों के लिए यूज होता है अर्थात जितने भी जल स्रोतों के हैं, तो इसके अंतर्गत इसका जलीय उपयोग एक्वेटिक एप्लीकेशन पे किया जाता है। मतलब उसमें जो भी उससे लिविंग वेल्स का उसका बायोटिक एबायोटिक दोनों फैक्टर पे कंसर्न होता है। तीसरा है रेड बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग विभिन्न चिकित्सा प्रक्रियाओं में किया जाता है। रेड सिंबल ऑफ ब्लड। चौथा है सफेद जैव प्रौद्योगिकी अर्थात व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग औद्योगिक प्रक्रियाओं इंडस्ट्रियल प्रोसेस में किया जाता है। अतः इसे व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत औद्योगिक जैव बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं। पांचवा है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। यह अंतर अनुशासित कार्य क्षेत्र वाली शाखा है जिसके अंतर्गत जितने भी संगणक तकनीक आती हैं, कंप्यूटेशनल टेक्निक्स जो है, इसकी सहायता से जो भी जैविक समस्याएं हैं उनका पता लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसकी सहायता से जैविक आंकड़ों बायोलॉजिकल जो डाटा है उसका भी विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि सारे चीज में यदि शोध या रिसर्च चल रहे हैं तो उनको भी इम्प्लीकेट करना, उनको पूरी तरह से एनालिटिकल करना, उसकी डेटा प्रोसेस करना, ये सब इसके अंतर्गत आती। उपर्युक्त सभी प्रकार की व्यवहारिक जैव प्रौद्योगिकी पर आई लागत इन्वेस्टमेंट एवं जो आर्थिक उपज इकोनॉमिक आउटपुट को जैव अर्थव्यवस्था या बायो इकोनॉमिक कहते हैं। जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग निम्न कार्य क्षेत्रों में किया जा रहा है। कहाँ कहाँ हम बायोटेक्नोलॉजी यूज करते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? तो चिकित्सा विज्ञान जो भी मेडिकल है, थेरेप्यूटिक्स में होता है, चिकित्सा विज्ञान में, डायग्नोस्टिक उसके निदान के क्षेत्र में, कृषि हेतु आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर माने ज्यादा बेस्ट फसलों का निर्माण। चौथा है खाद्य संसाधन, फूड प्रोसेसिंग, खाद्य संरक्षण खाद्य संसाधन के रूप में। पांचवा है अपशिष्ट उपचार, वेस्ट ट्रीटमेंट, इसमें भी जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग किया जाता है। बच्चों ये एक चित्र है जिसमें हमने बताया कि किस प्रकार बायोटेक्नोलॉजी की शाखाएं किस रूप में है। फूड टेक्नोलॉजी के रूप में है, फिर ये एग्रीकल्चर में है, जेनेटिक टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, और इसके साथ साथ इसके रूट्स किससे है, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, टेक्सोनॉमी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, इस सब के सम्मिलित प्रयोग सम्मिलित हिस्से को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम पुनर्योजी डीएनए तकनीक अर्थात रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू बच्चों।